नमस्कार जी, बीएसके हाइड्रोलिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 टाइम मल्टीकटर उसके साथ पंचिंग प्रेस मशीन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 5 टाइम मल्टीकटर के नीचे 3 अलग अलग तरह की डाई बनी हुई है। आओ चलो मशीन को देखें जी। इस मशीन में सबसे पहले हम बाई और एक 4 इंच बाई 2 इंच चैनल काटने की डाई लगी होती है। उसके बाद जी आप 40 mm तक रॉड काट सकते हो और तीसरी डाई इसमें आपकी 3 इंच बाई 1.5 इंच का आप चैनल काट सकते हो, चाहे वो टाटा का है चाहे वो जिस भी कंपनी का है। उसके नीचे जी आपकी फ्लैट आ गई, ये 16 इंची फ्लैट होती है जी। इसमें आप 20 mm, 10 mm, 25 mm की पत्ती, पाटा, चादर, प्लेट कुछ भी काट सकते हो जी आपके काम के हिसाब से। इसके नीचे जी आपकी एंगल आ गई, यहाँ पे आप 75-10 की एंगल काट सकते हो, आप 50-6 की एंगल काट सकते हो। ये 100 mm तक की एंगल काटने के लिए भी एडजस्टमेंट हो जाती है। ये आपका आगे जी इसका डाई पंच आ जाता है, जिसको आप हैंडल को आप हिलाओगे, सेट करोगे तो आप इसमें जो आपकी एंगल है वो प्रॉपर 90 डिग्री में कटेगी। इसके नीचे 3 अलग अलग तरह की डाई है। सबसे पहली डाई क्लंप डाई आ जाती है, जैसे आप खंभों में, बिजली वाले खंभों में क्लंप लगते हैं वो डाई आ गई। दूसरे नंबर पे आ गई जी आपकी पत्ती गोलाई करने की, हाफ राउंड, ये 3 इंच पत्ती, 2.5 इंच पत्ती, 2 इंच पट्टी गोलाई कर देती है। उसके बाद जी आपका कमानी बैंड आ गई, ये आपकी 25 mm, 20 mm, 18 mm, 15 mm तक की कमानी को बैंड कर सकते हैं। जो आप गाड़ी को नीचे कमानी लगती है उसको बैंड कर सकते हो जी, अलग अलग डिग्री में कर सकते हो। ये नीचे आपका आ गया जी हैंडल, इसका ये पैर से दबा देते हैं, इसका क्लच है, इसको दबाओगे तो मशीन इजीली ऑपरेट हो जाती है। इसमें हैंड वाला क्लच भी लग जाता है और पैर वाला भी लग जाता है आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये आ गई जी बाकी सारी मशीन। हमारा एड्रेस है तलवंडी साबो बठिंडा में, पंजाब में है जी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये ऊपर इसके डबल पंप आ गया जी, इसमें 2 पंप है, एक साइड का पंप आपका मल्टी कटर को जाता है और दूसरी साइड का पंप आपका पंचिंग प्रेस को जाता है। ये 2 पंप है, इसमें 1 पंप 60 टन का होता है, मतलब ये 120 टन की मशीन है जी। इसके साइड में आपकी मोटर आ गई, आप कम से कम 3 हॉर्स पावर 3 HP की मोटर लगेगी। अगर आप सिंगल फेस की मोटर लगाना चाहते हो तो कम से कम 5 की लगेगी जी। ये इसमें 3 फेस की मोटर लगी हुई है। अभी दूसरी साइड ये पंचिंग प्रेस आ गई है जी, इसमें आप कोई भी तरह का होल गिरा सकते हो, आपका 10 mm का हो, 16 mm का हो, 20 mm का हो, आपको चाहे 30 mm, 40 mm, 50 mm तक भी होल गिरा सकते हो। इस साइड आपका कैप्सूल का होल भी गिरा सकता है, ये जैसे आपका 2 इंच बाई 4 फुट का कैप्सूल होता है वो होल गिर जाएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाली आ गई, इसका मतलब क्या है जी, जो इसका सिलेंडर है वो डबल एक्शन बनता है, जो कि तेल से ही नीचे आता है, तेल से ही ऊपर जाता है, जिससे आपकी डाई कभी भी सीज नहीं होती। डाई का काम करने के लिए बहुत ईजिली होता है, स्पीड बहुत बनती है जी। इसका नीचे ये टेबल आ गया, जिसमें जी हम क्रॉस टाइप इसमें ग्रुप दिए गए होते हैं, ताकि कोई भी तरह की डाई हो, किसी भी तरह का फिटिंग हो, आप इसमें इजीली फिट कर सकते हो। ये आपकी डाई आ गई कैप्सूल वाली, 2 इंच बाई 10 mm। ये आप एंगल में, पत्ती में, चैनल में, किसी भी तरह के लोहे के प्रकार में आप इसमें ग्रुप निकाल सकते हो, डाई पंच निकाल सकते हो। ये इसकी 4 नटों से फिटिंग हो जाती है। ऊपर ये इसका जो पंच होता है वो 2 नटों से ऊपर की साइड में फिट हो जाता है। इसके अगर आप टिक्की निकालोगे वो इस साइड नीचे से गिर जाएगी। नीचे आप कोई भी बाल्टी वगैरह कुछ भी रख सकते हो, जो इसकी टिक्की नहीं गिरेगी, कैप्सूल वाली या पंच वाली से नीचे इकट्ठी हो जाएगी। कभी कभी कस्टमर इसमें अपना प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगवा लेते हैं, जो कि बहुत बढ़िया होता है, जो सेफ्टी वाल्व होता है, उसके कभी एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारी मशीन ही जी बहुत इजीली ऑपरेट होती है, मतलब इसमें कोई भी अनजान आदमी भी इसको ऑपरेट कर सकता है, इसमें कोई भी एक्सीडेंट का चांस नहीं होता, और ये फुल प्रूफ सेफ्टी के हिसाब से ही बनाई जाती है। ये सारी मशीन जी मेक इन इंडिया है, मतलब इसका हर एक पार्ट इंडिया मेड है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। सारी चीज़ें A to Z डाई हो गई, वो सारी इंडिया में बनती है, हमारी फैक्ट्री में बनती है जी। इसकी बैक साइड की लुक आ गई जी सारी। ये उस बैक साइड में जो चलती वाली डाई होती है वो 8 नटों से टाइट की जाती है, इससे क्या है इसमें कोई प्ले नहीं आती और जो दूसरी डाई से चिपक जाती है। ये नीचे आप गई वही पुरानी वाली 3 डाई आएगी, उसकी फिटिंग आ गई, उसकी भी 6 नटों से ही इसको टाइट किया गया हुआ था।
ये पंप 10 इंच पुली से चलता है जी, और जो मोटर की पुली 4 इंच होती है, ये सी टाइप की पुली होती है और सी टाइप की बेल्ट लगी है इसमें। चलो जी, अब इस मशीन को अभी चलते हुए देखेंगे ये काम कैसे करती है, कैसे लोहा काटती है जी।